तुम नहीं जाने देंगे, हम साथ भी लगेंगे यार, कैसे हो जाएगा, नहीं जाने देंगे, मार के चल दिया। क्यों गया भाई? हाँ क्यों गया भाई? हुई है यार, दिमाग खराब हो गया। दो मिनट रुके थे हम लोग यहाँ पुलिस के बगैर। सर बोल रहे हैं, सर थैंक यू फॉर योर विजिट अगेन सर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग टू है जो कि अपने मैंने कल अपलोड करा था व्लॉग। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, वो पार्ट वन देख लेना। तो ये पार्ट टू है। अभी मैं रांची में हूँ और टाइम हो रहे हैं 4:30 और अभी मैं निकल चुका हूँ जमशेदपुर के लिए। अभी जा रहे हैं जमशेदपुर। सच बता रहा हूँ यार, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, बहुत ज़्यादा। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं, बस सुबह ब्रेड और उसके बाद एक ग्लास टी का पिया है और कुछ नहीं खाया मैंने, कुछ भी नहीं। भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो खाएंगे और मेरा फेवरेट जो कि खाना है वो है चिकन, चिकन ही खाएंगे। तो हाईवे पकड़ने वाले हैं, आप देख सकते हैं जमशेदपुर 124 किलोमीटर है यहाँ से। और इतना तो मैं पक्का बता सकता हूँ कि रात हो जाएगी, पक्की बात है। तो माइलेज कितनी देती है ड्यूक? सच बताऊँ तो 35 दे देती है यार, बहुत अच्छी माइलेज देती है। जमशेदपुर 115 किलोमीटर, कोलकाता 385 किलोमीटर, खड़गपुर 255, बहुत सारी जगह का नाम आ रहा है देख लो। तो अभी भी काफ़ी दूर है यार, काफ़ी दूर है, अभी जाना है। टायर्ड तो हुए नहीं है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, बस भूख लगी है। अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला है क्योंकि अभी होटल काफ़ी दूर है जहाँ पे मुझे खाना है, जो ढाबे पे वो काफ़ी दूर है। खाएंगे तो प्रॉपर वहीं पे खाएंगे। और अभी ठंड होते जा रही है जैसे जैसे शाम हो रही है, सच बता रहा हूँ ठंड बढ़ रही है, तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है। रात में विजिबिलिटी की भी काफ़ी दिक्कत होने वाली है। ऐसे भी मेरे हेलमेट पे ये वाला टैन प्रोटेक्शन वाला ग्लास लगा हुआ है, तो मैं अभी भी से ही ग्लास खोल के चला रहा हूँ और आइस पे काफ़ी डस्ट वगैरह लग रहा है। शिट यार, चीज़ हुई है यार, दिमाग ख़राब हो गया है। दो मिनट रुके थे हम लोग यहाँ पे पानी पीने के लिए, बट पता नहीं क्या हो गया, अचानक से बाइक पे पावर नहीं आ रही है, पता नहीं। और अभी मैंने इसे टो करके भी ऑन किया तो ये ऑन नहीं हो रही है, ये दिक्कत हो गई है, बाइक पे पावर नहीं आ रही है। तो एक टूल बॉक्स भी मैं लेके नहीं आया हूँ, सेल्फ वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे लग रहा है कि इसका हो सकता है फ्यूज़ उड़ा हो, क्योंकि फ्यूज़ उड़ने से ऐसे होता है, इस पर फ्यूज़ आरसी पे आगे रहता है, ड्यूक पे इसका फ्यूज़ इधर रहता है। तो ये हमारा फ्यूज़ बॉक्स है, इसे हमें खोलना होगा और देखना पड़ेगा, पहले फ्यूज़ देखना पड़ेगा। ये 30 एम्पेयर का फ्यूज़ है, इसे निकालते हैं। मैं एक चीज़ बता दूँ, पहले तो मेन फ्यूज़ चेक कर लेना है, मुझे लग रहा है ये उड़ गया होगा। तो एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ यहाँ पे भी रखा हुआ है, ये लगा के देख लेते हैं। तो ये दूसरा वाला फ्यूज़ है, फ्यूज़ चेक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहती है, अगर ये बीच से कट जाता है तो फ्यूज़ उड़ जाता है, तो हमें इसे प्रॉपर उसी वे में लगा देना है। नहीं आ रहा है, अब आएगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा रहा है, मतलब पावर आ चुकी है। और इसको बंद करते हैं और आप सोच रहे होगे ये क्या लगा है, तो ये फ्लैशर है ब्लिंकर के लिए, उसकी वीडियो मैं बाद में कर दूंगा आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा। और देखते हैं अभी पहले पावर आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, तो अभी पावर आ गई है, मुझे पता था फ्यूज़ ही उड़ा है। तो फ्यूज़ उड़ने का भी रीज़न कुछ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है, बाइक पे कहीं पावर नहीं आ रही है, तो आप सबसे पहले फ्यूज़ ही चेक करो। अगर पावर आ रही है, बाइक ऑन नहीं हो रही है, तो उसमें क्या हो सकता है, आप प्लग चेक करो, हो सकता है प्लग शॉर्ट हो गया हो, क्योंकि प्लग के शॉर्ट होने से, प्लग फ्यूज़ होने से ये प्रॉब्लम आती है। प्लग चेक करो, अगर प्लग भी ठीक है तो उसके लिए हमें और बढ़ना होगा आगे, फ्यूज़ चेक करना होगा, ऐसी बहुत सारी, एक एक करके हमें सब प्रोसेस से चेक करना पड़ेगा।
तो गाइज 131 तक जा रही है, 132, 136 तक इसकी टॉप एंड है, इजीली जाएगी यार। बट बात क्या हो रही है, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हवा बहुत ज़ोर आ रही है यार, तो इसलिए नहीं जा रही है। वैसे KTM तुरंत अपने टॉप एंड पे आ जाती है, तुरंत आ जाती है। RC 200 की और Duke 200 की टॉप एंड सेम है, बस वो बाइक थोड़ी सी एरोडायनामिक है तो वो अपने टॉप एंड पे आ जाएगी हवा को काटते हुए, बट इसमें थोड़ी सी हवा कटने में दिक्कत होती है, काफ़ी आवाज़ मेरी लगता ख़राब आ रही होगी क्योंकि हवा बहुत ज़ोर आ रही है आगे से, बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा क्योंकि 110 पे भी चल रहे हैं तो आप एक बार हवा देख लो यार कितनी ज़्यादा आ रही है। यार मैं एक चीज़ बताऊँ, अभी बहुत ही कॉमेडी हुआ है, ये सब बाइक्स जो होती है यार टॉप स्पीड में मार खाती है, मुझे अभी ऑल्टो ने ओवरटेक करा है ना, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मुझे ऑल्टो ने ओवरटेक करा है क्योंकि बाइक्स की उतनी टॉप स्पीड नहीं होती है और मैं अभी उसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ। अब हिसाब लगा लो यार कि कार पे कितना ज़्यादा फायदा है। आपको लगता होगा कि अगर ड्यूक और ऑल्टो की रेस होगी तो ड्यूक जीत जाएगी, बट आपका वहम है। आप देख सकते हैं आगे ऑल्टो जा रही है, मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ और मैंने पूरा जोर लगा दिया यहाँ पे 125 और मैं ऑल्टो को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। 133 131, मैं पूरी टॉप एंड पे जा रहा हूँ यार, देख लो 132 और ऑल्टो मेरे आगे। भाई भाग भाग भाई भाग, वो ऑल्टो वाला साला कहाँ चले गया है, भाग ही नहीं रही है भाई गाड़ी, टॉप एंड तो है नहीं, फुल एक्सलेटर मैंने दिया है देख लो, वो ऑल्टो को मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। भाई भाग भाई, क्या हो गया, पूरा फुल एरोडायनामिक पे जा रहे हैं भाइयों। तो भी सब लगा लो एक बार, ये ट्रैफिक पे वो बीट कर देगी, बट सच बता रहा हूँ कार की टॉप एंड देख लो ऑल्टो की। तो गाइज मेरी आंखों का हाल देख लो यार, क्या हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई है इसलिए मेरा दिमाग ख़राब है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या। अभी एक ऑल्टो वाले से, मतलब समझ लो कि रेस हुई या जो भी समझ लो, वो चला रहा, मैं 134 135 पे था और उसने मुझे ओवरटेक करा और मैंने बहुत कोशिश करी उसको पकड़ने की, बट मैं नहीं पकड़ पाया, बहुत लंबा तक बहुत ज़ोर लगाया, कभी वो आगे निकल रहा था कभी मैं पीछे जा रहा था, मैंने बहुत कोशिश करी है बट नहीं पकड़ पाया। तो और साथ में कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी, आँखों का मेरी हाल देखो क्या हो गया, बुरा हाल हो चुका है और भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, खाने के लिए भी मैंने नहीं रुका, जहाँ मुझे रुकना था नहीं रुका, कहीं और अभी खाने के लिए रुके हैं, भूख इतनी लग गई है, सर भी दर्द दे रहा है क्योंकि हवा जो लग रही है ना इस पर बहुत ज़ोर लग रही थी। और आप देख लो यार हेलमेट का एक बारी, ये ग्लास ब्लैक ग्लास है, कुछ नज़र नहीं आता रात पे, कोई बात नहीं, अभी खाते पीते हैं यहाँ से फिर चलेंगे घर। मैंने आपको बता दिया हुआ क्या, ड्यूक बिल्कुल नहीं पकड़ पाई, हाईवे के लिए बिल्कुल नहीं है 200 cc, आप अगर कहीं खाली रोड अगर आपको मिलती है कहीं लंबा आप 200-400 किलोमीटर जाते हैं तो आप याद रखना 100 से ऊपर आप नहीं चला पाओगे बाइक, अगर उससे ऊपर चलाते हो बहुत परेशानी होने वाली है, हाथ वाइब्रेट होंगे कुछ होंगे, तो आप 80-90 में अगर आपके पास पेशेंस है तो 80-90 में चला के आप जाओ, आपको कभी मारुति 800 ओवरटेक करेगी, कभी आपको नैनो भी ओवरटेक कर सकती, कोई बड़ी बात नहीं है यार, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है अभी खाते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हैं हम। तो अब हो चुकी है पेट पूजा, तो अब चलते हैं घर, जय हिंद। हाँ प्लीज कमेंट, सर बोल रहे हैं, सर थैंक यू फॉर योर विजिट अगेन, सर बोल रहे हैं। ओके सर, वेलकम सर। तो गाइस अब देख रहे हो तो ठंड हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है, थी पेट्रोल पूरा चूस लिया बाइक ने क्योंकि मैंने फुल थ्रॉटल पे बाइक को भगाया है, बहुत जोर लगाया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मैं नहीं पकड़ पाया यार, आप सोचो ना ऑल्टो को नहीं बीट कर पाया, तो अगर स्विफ्ट रहती है दूसरी कार रहती तो क्या होता, आप सोच लो। अगर सच बता रहा हूँ यार वो वीडियो रिकॉर्ड होती ना मज़ा आ जाता यार, मज़ा आ जाता, बट कोई बात नहीं, खैर मार के चल दिया। क्यों हो गया भाई, क्यों हो गया,
मार के चल दिया। एक मिनट रुक जा, हम साइड दिया इसको। बच्चा भी है मेरा, हाँ मेरा बच्चा भी है। एक मिनट रुके बुजुर्ग आदमी, एक मिनट रुक जाइए भैया। तो आराम से आ रहे हैं, एलंग है, एलंग का देखो भाई, एलंग यहाँ तो मैं आया ही नहीं आ रहा भाई, छोड़ो। देखो भाई क्या हुआ, क्या है भांग दिया, इसका हाथ भी पीला किया। देखो भाई, ए चलो भाई जाओ, जाओ तुसी जाओ, नहीं लगा छोड़ी भैया, छोड़ी जाने दे। हम जाने कहे देंगे भाई, कितना पैसा, कितना पैसा, कितना पैसा, पैसा बोल रहे उतना दीजिए भैया। एक मिनट भैया, रुकिए रुकिए, रुपया हुआ टेंशन लेते हैं। भाई है ना आपका, आपका भाई आया ना, आपका भाई आया ना, बोलिए बुजुर्ग आदमी है ना, बोलिए। नहीं आपको शीशा का 500 भी दे रहा है, बहुत दे रहा है। नहीं दे रहा, 500 थोड़ी देने। एक मिनट रुक जा, ओए तू चुप रहेगा भैया, नहीं तो हम जाने नहीं देंगे। मेरा बात सुनिए, भाई का बात रखते हैं कि नहीं, ठीक है कोई। एक मिनट, भाई का बात रखते हैं ना, मेरा बात रखते हैं ना, क्या हम हाथ जोड़ रहे हैं आपको? नहीं नहीं भैया, ऐसा बात क्या करेंगे, देखिए बुजुर्ग आदमी है ना। देखिए कौन है उधर, हटिए हटिए, कौन है? चलो 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 चलो, अरे ठीक है चल ठीक है भाई, ओके ओके जाओ यार आराम से। रुक जा, आराम से। बुजुर्ग आदमी है ना भाई, बुरा लगता है यार, बुजुर्ग आदमी है ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आराम से जाओ, चलिए कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, ओके ओके। मान नहीं रहा था पैसे के लिए, बट ना लिया और वहाँ से निकल गए। और वो जो अंकल थे, सरदार जी अंकल थे, वो इस वाले ट्रक से जा रहे हैं, आप देख लो। तो अभी पेट्रोल पंप पहुँच चुके हैं, फटाफट पेट्रोल लेते हैं, रिफ्यूलिंग करते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं कार में कैसे आ गया, तो पहुंच चुके हैं, बस पहुंचा, मेरा फ्रेंड 1 किलोमीटर बचा है। तो अब हम निकल चुके हैं कुछ खाने के लिए, घर पे खाना नहीं मिलेगा मुझे आज क्योंकि मैंने बहुत लेट कर दिया, तो अभी मैं बाहर से ही खा रहा हूँ। ये मैं फ्लैश यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अंधेरा है इधर गाड़ी पे। तो चलते हैं फटाफट डिनर करते हैं और मिलते हैं। ओ चल रहे हैं अभी ऊपर। यार आज मैं सच बता रहा हूँ KTM से बहुत नाराज़ हूँ भाई मैं, क्योंकि मुझे धोखा मिल चुका है आज KTM से। बिल्कुल टॉप एंड नहीं थी यार, बिल्कुल टॉप एंड नहीं थी, मैं आप लोगों से बातें नहीं कर पाया, बता नहीं पाया आप लोगों को, बट सच बता रहा हूँ टॉप एंड बिल्कुल नहीं है बाइक की। और आज यहीं पे करने वाले सारा काम, यहीं पे समझ लो कि यही रूम पे सारा काम। तो गाइस वीडियो को करते हैं अब यहीं पे ख़त्म। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, भाई को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ क्योंकि आप लोग कमेंट लाइक करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।
जैसे मैं घर पहुंचा तो मेरा फ्रेंड मेरा वेट कर रहा था, तो मैं अभी उसके साथ तो गाइस वीडियो को करते हैं ख़त्म। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, भाई को सपोर्ट करना, इंस्टा पे फॉलो करो, एक से एक वीडियोस आने वाली है। टिल देन बाय।